नमस्कार दोस्तों, यूं तो मैंने सरोकार के लिए हजारों साक्षात्कार लिए हैं, लेकिन आज हमारे साथ कई राजनीतिक पार्टियों में बड़ी भूमिका निभा चुकी इस वक्त निषाद पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी वीरेन डाडा जी हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि निषाद पार्टी को उन्होंने क्यों ज्वाइन किया और भविष्य की क्या रणनीति है, किस तरीके से निषाद पार्टी को खास तौर से उत्तर प्रदेश में वो मजबूती प्रदान करेंगे और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को 2024 में सत्ता में वापसी के लिए एक सहयोगी के तौर पर ईमानदारी से सहयोग करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार डाडा जी, आप कांग्रेस में जो है बहुत महत्वपूर्ण पद पे रहे, बहुजन समाज पार्टी में भी बहन मायावती ने आपको खासी जिम्मेदारियां दी और आपने बखूबी जो है उनका सम्मान करते हुए बसपा के लिए काफ़ी काम किया, लेकिन हाल ही में चुनाव में जो नतीजे आए उसको देख के आपने त्यागपत्र दे दिया, फिर बाद में बहन मायावती ने आपको पार्टी से निष्कासित किया, ये तो हुई बसपा की बात। अब आपने जो है निषाद पार्टी ज्वाइन की है और आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और निषाद पार्टी ही क्यों, दूसरी पार्टी क्यों नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद सरोकार टीम को। देखिए, पहले मैं बताना चाहता हूँ कि निषाद पार्टी है क्या। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, ये निषाद पार्टी का पूरा नाम है, शॉर्ट नाम निषाद है। हर गरीब कमजोर जिनका शोषण हो रहा है उनकी आवाज़ बनकर ये निषाद पार्टी, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल बोलता है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुझे जिम्मेदारी पार्टी ने दी है और मैंने ये पार्टी क्यों ज्वाइन की, सबसे पहली बात ये है कि ये उस गरीब और कमज़ोर की आवाज़ के साथ साथ जो पिछड़ा वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग हर जगह उसको जो है दूसरी नज़र से देखा जाता है, उसकी कहीं काउंटिंग नहीं होती, उसकी वोट का कहीं अर्थ नहीं गिना जाता, ऐसे में हमारे महामना डॉक्टर संजय निषाद जी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो एक बहुत ही डॉक्टर हैं, बहुत पढ़े लिखे, उन्होंने 13 पुस्तकों का लिखकर देकर तब ये ताकत खड़ी की है। आज हमारे देश के अंदर निषाद कश्यप ऐसी 500 कुछ जातियां हैं जिसमें गुर्जर मुस्लिम और बहुत समाज आते हैं, जो आज़ादी के बाद जब देश में आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी, 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, उस क्रांति में जिन जातियों ने सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों को मारा और भगाया, आज़ाद भारत 1947 में आज़ाद भारत हो गया, लेकिन वो जातियाँ 1952 में जाकर आज़ाद हुई, 5 साल 16 दिन के बाद जो जातियों को आज़ादी मिली, उन जातियों की आवाज़ बनकर महामना डॉक्टर संजय निषाद ने निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल खड़ा किया है और वो पूरी ताकत के साथ काम कर रहा है। आज हम भाजपा के सहयोगी दल हैं, हम पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ कार्य कर रहे हैं, क्योंकि केवट हमारे जो महापुरुष हैं गुराज निषाद राज जी, उन्होंने हमेशा भगवान राम का साथ रहे, उन्होंने भगवान राम को नाव से पार किया, एक अच्छी दोस्ती का परिचय उन्होंने दिया और भगवान राम के साथ रहे। भाजपा हमारे बड़ा भाई है, हम उनके साथ हैं छोटे भाई के रूप में, और हमने पूरी ईमानदारी से उनका साथ निभाया था। महाराज गुराज निषाद जी ने जो ईमानदारी के साथ दोस्ती निभाई थी, उसी को महामना डॉक्टर संजय निषाद जी निभा रहे हैं। उन्होंने मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया और एक उम्मीद के साथ उन्होंने मुझे बनाया और उस पर हम कार्य कर रहे हैं। हम हर 6 मंडलों में हम गए हैं, हमने हर जिले के अंदर मीटिंग की है। हमारा जो गांव में बैठा हुआ कार्यकर्ता है, जो आम कार्यकर्ता है, वो पूरी तरह से आज भी कार्य कर रहा है। हमारा पहला जो दौरा हुआ, उस दौरे में हमने हर ब्लॉक स्तर पर एक टीम गठित की है, ब्लॉक स्तर से लेकर बूथ स्तर तक गठन किया है और उसकी
पूरी जिम्मेदारी हम हर विधानसभा वाइज अपने कार्यकर्ताओं को देख आए हैं, ब्लॉक पर देख आए हैं और देश हमारा कार्य चल रहा है। आप कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी में बड़े नेता रहे हैं, क्या गारंटी है कि जो आपका जनाधार है, आपके चाहने वाले हैं, आपके समर्थक हैं, कांग्रेस में जो समर्थक रहे, बहुजन समाज पार्टी में जो समर्थक रहे, वो सारे समर्थक आपके समर्थन में निषाद पार्टी को सहयोग करेंगे, इसकी क्या गारंटी है और उसकी क्या वजह है? देखिए, मोदी जी और योगी के इस युग में पूरा देश उनके साथ खड़ा है और मेरे सभी कार्यकर्ताओं की सलाह के बाद, उनसे बातचीत करने के बाद, मैं कार्यकर्ताओं की अनुसार ही मैं इस पार्टी में मैंने ज्वाइन की है और सारे कार्यकर्ताओं ने ही मुझसे कहा कि आपको महामना डॉक्टर संजय निषाद जी के साथ जाना है और देश के लिए मोदी जी और योगी जी जो प्रदेश और देश के लिए कार्य कर रहे हैं उनके साथ उनकी विचारधारा जुड़ती है, इसलिए हम सब लोग इन्हीं के साथ कार्य करेंगे। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी रही है और बहुजन समाज पार्टी भी बड़ी पार्टी है, दो बड़ी पार्टियों में प्रमुख भूमिका निभाने के बाद आप एक बहुत बड़ी पार्टी जो इस वक्त देश में है भाजपा, उसमें सीधे जाने के बजाय उसके छोटे भाई और सहयोगी दल में गए, इसकी क्या वजह है? इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये दल जो निषाद पार्टी है, ये गरीब और कमजोर की लड़ाई लड़ती है। क्या बीजेपी नहीं लड़ती है? बीजेपी भी वो लड़ाई लड़ती है, चूंकि हम सहयोगी दल है, लेकिन बीजेपी पे बहुत बड़ी पूरे देश की जिम्मेदारी है और हम प्रदेश में जो ऐसे दबे और कुचले लोग हैं, जो उनका उनकी नजर भाजपा के सीनियर नेताओं की उन पर जाए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या इस चीज के लिए आप आश्वस्त हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ये दोनों लोग जो है निषाद समुदाय और दबे कुचले लोगों का सहयोग और साथ इसलिए देंगे कि डॉक्टर संजय निषाद और वीरेंद्र सिंह डाडा उनका नेतृत्व कर रहे हैं? देखिए, वो तो पहले से ही उनका ध्यान रखते हैं, लेकिन कभी इतना बड़ा जिम्मेदारी होने के नाते, बहुत सारे ऐसे समाज जैसे केवट समाज है जो नदियों में काम कर रहे हैं, मल्हा समाज है जो नाव चलाता है, कश्यप समाज है जो उसमें कार्य करता है, तो उन तक उनकी आवाज को हम वहां तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बाकी मोदी योगी तो हर व्यक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, हर व्यक्ति पर उनकी नजर है, हर जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, हम तो केवल एक डांकिया की तरह कार्य कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि अब आप जो है निषाद पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी होने के नाते 2024 को लेके आपकी क्या रणनीति है? 2024 में पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अंदर भाजपा सरकार आएगी और बहुत तेजी से आएगी, क्योंकि पूरे देश की जनता मोदी और योगी में आस्था और विश्वास रखती है और डॉक्टर महामना संजय निषाद जी 24 घंटे गरीब और जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। पूरी तेजी से भाजपा आएगी और हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत तेजी से जोड़ने का कार्य बीजेपी के साथ उनको कर रही है जो अन्य अन्य पार्टियों में चले गए थे, उन समूह के रूप में हम इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़ों के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज भी तेजी से हमारे साथ जुड़ रहा है, जो डॉक्टर संजय निषाद जी में विश्वास रखते हुए, महामना मोदी जी में विश्वास रखते हुए, योगी जी में आस्था रखते हुए वो जुड़ रहे हैं और उनके लिए निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल एक अच्छा प्लेटफार्म उन्हें मिल गया है, उसके लिए हम आम आदमी के पास जा रहे हैं। सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर चुनाव के दौरान और उससे पहले भी कहते रहे कि संजय निषाद जी का जो है सम्मान नहीं होगा भाजपा में, उनको हमारे साथ आना चाहिए, तो क्या डॉक्टर निषाद साहब ने उनकी बात ना मान के सही फैसला किया? बिल्कुल, हमारे महामना डॉक्टर संजय निषाद जी बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और वो जनता की भावनाओं के साथ चलते हैं, उनका निर्णय अपनी जगह बिल्कुल सही है और भाजपा देश को एक नया रास्ता देगी और फिर भाजपा बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं, हमें तो भाजपा के साथ
चलना ही है। लोगों का ये भी आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ अपने सहयोगी दलों तो दूर की बात है, अपने भाजपा के मंत्रिमंडलीय सहयोगियों की भी नहीं सुनते हैं। ऐसे में डॉक्टर निषाद जो है अपने समाज का कैसे उत्थान करेंगे? देखिए, आदरणीय और सम्मानित हमारे प्रदेश के महामना आदित्य योगीनाथ जी मुख्यमंत्री, हम छोटे दल के रूप में उनके सहयोग में हैं, हमको इतना सम्मान दे रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अभी महामहिम राष्ट्रपति जी प्रदेश में आए और गोरखपुर में हमारे डॉक्टर संजय निषाद जी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े थे। हमें पूरा सम्मान मुख्यमंत्री जी दे रहे, वो सबको सम्मान देते हैं। जो उनकी विचारधारा से अलग जाता है वो लोग जाते हैं, जो विरोध में करते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी सबको सम्मान देते हैं और हमें खूब सम्मान दे रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ये बात प्रचारित है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस पार्टी का सहयोग किया या जिस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया, वो पार्टी आगे चलकर बर्बादी की कगार पे ही पहुंची है। चाहे नीतीश कुमार को ले लीजिए और चाहे शिवसेना को ले लीजिए, ये दो उदाहरण सामने हैं। देखिए, आज प्रदेश के अंदर पहली बार हम सहयोग में रहे तो हमारा एक सांसद बना, एक एमएलए बना। दोबारा हम भाजपा के सहयोग में आए तो हमारे 11 एमएलए, एक एमएलसी, एक महामना जी कैबिनेट मंत्री बनाए, एक सांसद मौजूद है। हमने तो प्रोग्रेस किए भाजपा के साथ आने पे, हमारे दल ने, तो हमें ऐसा कहीं कुछ नहीं लगता कि जो लोग कहते हैं वो निर्थक है, वो अपनी कमियों के अनुसार ही दूर जाते हैं। एक सवाल और, अगर जो है आपकी निषाद पार्टी प्रोग्रेस करती है जैसा कि आपने दावा किया और वो दिखाई भी दे रहा है आंकड़ों से, तो क्या बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं जो है सीटों को लेकर जो है कम होंगी, आपकी मांग बढ़ेगी, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, वो तो हमारे महामना डॉक्टर संजय निषाद जी फैसला लेते हैं, वो जो लेते हैं वो सही फैसला लेते हैं और भाजपा हमें पूरा सम्मान देती है। अभी पीछे चुनाव हुआ था विधानसभा तो हमें 16 सीटें दी, इनमें से 11 सीटें हम जीत के आए और वो सीटें दी जो भाजपा उनको हार चुकी थी पहले, उन सीटों को हम जीत के आए हैं। तो हमें भाजपा पूरा सम्मान देती है, हमें पूरी सीटें देती है, हमारा सीटों पर उनसे कोई विवाद नहीं है। बड़ा भाई जो आदेश करता है, छोटा भाई उसका पालन करता है। अच्छा, आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश की जनता, खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसके आप प्रभारी हैं, उनके लिए आप निषाद पार्टी में शामिल होने के लिए या निषाद पार्टी के लिए उसकी तरफ से प्रभारी होने के नाते आप कोई संदेश देना चाहें? देखिए, मैं महामना डॉक्टर संजय निषाद के निर्देशों का पालन करता हूं, उनका जो आदेश आता है एक संदेशवाहक के रूप में जनता के बीच में उनको छोड़ने का मेरा काम करता हूं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी जो मुझे दी गई है, उनका आदेश है कि हर बूथ हमारा मजबूत हो, उसके लिए हम 24 घंटे कार्य कर रहे हैं। हमारे बूथ से लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर बूथ स्तर तक हम अपनी कमेटी गठित कर रहे हैं और जिसका लाभ 2024 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में नजर आएगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी ताकत से 2024 में सीटें जीत के आएंगे और दोबारा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी को दोबारा हम प्रधानमंत्री चुनेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। धन्यवाद जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय निषाद साहब, उनका 57 वर्ष जो है उनके पूरे हो रहे हैं और आज जो है वो 58वें साल में जो है प्रवेश करेंगे, उनका जन्मदिन है। इस मौके पर आप जो है प्रदेशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं इस पे अपील करना चाहूँगा प्रदेशवासियों से कि आज हमारे महामना डॉक्टर संजय निषाद जी 57 वर्ष के पूरे हो चुके हैं। मैं प्रदेशवासियों से निवेदन करूंगा कि सारी इनकी लंबी आयु हो, इनकी दीर्घ आयु हो,
ऐसी स्वर से काम न करें ताकि ये निर्बल शोषित और कमजोरों की आवाज़ बनकर इस देश में लड़ाई लड़ते रहें, उनको उनका हक दिलाते रहें। इसके लिए मैं प्रदेश की जनता से अपील करता हूं कि वो महामना डॉक्टर संजय निषाद जी की दीर्घायु की कामना करें ताकि ये गरीबों का मसीहा, किसानों का मसीहा, कमजोरों का मसीहा बराबर लोकसभा और प्रदेश की विधानसभा में आवाज़ उठाकर उनके कार्यों को पूर्ण करने का, हमेशा उनको अधिकार दिलाने की मांग करता रहे। जय निषाद राज। जय निषाद राज। वीरेंद्र डाडे जिंदाबाद। वीरेंद्र डाडे निषाद राज। जय निषाद राज। डॉक्टर संजय निषाद जिंदाबाद। डॉक्टर संजय निषाद जिंदाबाद। डॉक्टर संजय निषाद जिंदाबाद। भैया आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं।